देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं। हम तो आस पास सांस थमे और रात साथ बात करे क्यों ना रह लू ना, अब तो आए enjoying, feeling yeah. it, giving expressions, and actually looked like they were singing the songs to each other. ब्राइड हेयर मैं अनीश और मैं कॉलेज में मिले थे। सो पहली बार जब शादी की बात आई तो अनीश ने पहले अपने घर में बताया, फिर मैंने अपने घर पे बताया। तो मुझे एक्चुअली आंटी से थोड़ा सा डर लगता था बिकॉज़ आंटी एकदम हेल्थ फ्रीक फिटनेस फ्रीक टाइप लगती थी मुझे, और मैं हूँ खाते पीते घर से। बट जब मैं आंटी से मिली वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, और अभी भी जैसे जब भी बात होती है और मैं ऐसे गलती से आंटी बोल देती हूँ, अच्छी तक नहीं अब से माँ बोलना है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे इतना एक्सेप्ट कर लिया है घर में। कोविड पाई लिमिटेशन केम टू 50, सो टिके मन दुख हो जाइतिला, बट आई थिंक फॉर द गॉड्स ग्रेस ऑल वेंट ऑन फाइन। हस कदर इश्क बे
कायदा ये समझो नहीं तो नहीं फायदा कभी अब्र सा बेसब्र सा कभी बारिशों सा शरारत भरा कब ये लगे ना किसी को पता न जाने कोई कैसी बला कभी बेअदब कभी बेसबब कभी जश्न है और कभी है सजा है बेअकल बेशकल बेफिकर ये गहरा ये जैसे समंदर दिखता नहीं है ये महसूस होता है इश्क ऐसा एक मंजर कैसी लग सी है ये बहेली कैसी गजब सी ये जादू गई कैसी अजब सी है ये बहेली जैसे उफक पे उड़न तश्तरी Everybody, every little thing he takes care of, and that's very nice of him. He's also interested a lot in food and cooking, which will be really helpful for Suchina, I'm pretty sure. So finally, after 7 long years of being together, we have finally gotten married. Yay! Yeah, high five. Can I kiss you on the cheek? No, ask your mom. Cut dena, please. Cut kar dena. Bye. Okay. That's a wrap up. Yeah.